चलो शुरू करते हैं। लंबा लेक्चर है, 2 दिन लगेंगे। तो इस सेकंड पार्ट में, मैग्नेटिज्म के सेकंड पार्ट में, हम लोग पढ़ेंगे बार मैग्नेट के बारे में, इट्स प्रॉपर्टीज, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, करंट सोलेनोइड इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट, बार मैग्नेट एंड इट्स डायपोल मोमेंट, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, टॉर्क एंड वर्क डन ऑन मैग्नेटिक डायपोल, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ डाया पैरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म एंड हिस्टोलिसिस इन मैग्नेटिज्म। शुरू करते हैं सबसे पहले मैग्नेटिज्म। तो द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग द मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, निकिल, कोबाल्ट, ईटीसी, अ बॉडी पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेट। मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकिल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है। जिन मटेरियल के पास ये मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उन्हें हम बोलते हैं मैग्नेट। अब मैग्नेटिक पोल इज ए पॉइंट नियर द एंड ऑफ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिज्म इज कॉन्सेंट्रेटेड। कहने का मतलब, एक मैग्नेट के एंड पॉइंट्स जहां पे मैग्नेटिज्म कॉन्सेंट्रिक रहता है, इकट्ठा रहता है, सबसे ज्यादा शो करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, वो पॉइंट्स हमारे कहे जाते हैं पोल्स। अर्थ इज ए नेचुरल मैग्नेट। अर्थ के पास भी एक मैग्नेटिक नेचर है, अर्थ भी एक मैग्नेटिक फील्ड शो करती है अपने चारों तरफ। तो अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो अर्थ भी एक नेचुरल मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। द रीजन अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट exert a force on other magnet and on objects made of iron in a field, magnetic field, यानी वो reason magnetic field कहा जाएगा जिस reason में ये force exert करता है on other magnet, दूसरे magnet पे force exert करता हो, या फिर magnetic material जैसे iron था, iron पे magnetic force apply करे, वो फील्ड, वो स्पेस क्या कहा गया, मैग्नेटिक फील्ड नाम से जाना गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच दिस आयरन पीस और अदर मैग्नेट एक्सपीरियंस अ फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ए बार मैग्नेट, बहुत ध्यान से समझेंगे, एक बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है और एक बार मैग्नेट क्या है। मैग्नेटिक मटेरियल से बना, जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उससे बना एक एक क्यूबॉइड शेप में एक मैग्नेटिक मटेरियल के टुकड़े को हम बार मैग्नेट कहते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हमेशा ही एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही हमेशा अलाइन करेगी, अलाइन करती है, रुकती है। अगली प्रॉपर्टी की बात करें, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। हमेशा याद रखिएगा, एक मैग्नेट में लाइक पोल्स, जैसे नॉर्थ नॉर्थ है तो वो रिपेल करेंगे, साउथ साउथ है रिपेल करेंगे, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा, साउथ एंड नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट पोल अट्रैक्ट, लाइक पोल रिपेल। तो वही आपने लिखा, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा मैग्नेटिक पोल्स जो होंगे वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। नॉर्थ पोल अगर दिख रहा है किसी मैग्नेट का तो जरूर साउथ पोल भी होगा। मोनोपोल ऑफ ए मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करते, पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, और आप इन पोल्स को अलग भी नहीं कर सकते हो। अगर आपका नॉर्थ और साउथ पोल एक साथ एग्जिस्ट करता है तो हम इन्हें अलग करने की कोशिश करें। कोई सोचता है कि अगर मैग्नेट को बीच से तोड़ दें तो सर नॉर्थ अलग चला जाएगा, साउथ अलग चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक मैग्नेट
में नॉर्थ और साउथ एक साथ एग्जिस्ट करेंगे और आप इन्हें अलग करने की कोशिश करोगे तो भी ये अलग नहीं होंगे। मैग्नेट टुकड़ों में टूटेगी और टुकड़े एक इंडिपेंडेंट मैग्नेट की तरह काम करने लगेंगे। हर एक टुकड़ा एक इंडिपेंडेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो हम मैग्नेट के पोल्स को अलग नहीं कर सकते। अब मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। अगर हम एक मैग्नेट के कांटेक्ट में आयरन का टुकड़ा कुछ समय के लिए रख दें तो वो भी मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, यानी कि वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता। इट अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस, एक बार मैग्नेट है तो वो मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन कोबाल्ट निकल के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचेगी, मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करती है। रिपल्सन इज द सोरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, जो रिपल्सन है वो किसी मैग्नेटिज्म का स्योरेस्ट माने कि एक श्योर टेस्ट है कि अगर रिपल्सन वहाँ पे हो रहा है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को मतलब उसके अंदर मैग्नेटिज्म होगा। जैसे कि मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन रॉड एज वेल एज अपोजिट पोल ऑफ अदर मैग्नेट। एक मैग्नेट आयरन को रॉड को अट्रैक्ट करती है और अपोजिट पोल जैसे नॉर्थ है तो साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ है तो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। देयरफॉर इट इज नॉट श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ये जो आयरन को अट्रैक्ट करना है या अपोजिट पोल्स को अट्रैक्ट करना है तो आपका ये एक श्योर टेस्ट की तरह डील नहीं होगा। बट इफ ए रॉड इज रिपेल्ड विद ए स्ट्रॉन्ग फोर्स बाई ए मैग्नेट, अगर कोई रॉड स्ट्रॉन्ग फोर्स से रिपेल हो रही है देन द रॉड इज श्योरली मैग्नेटाइज। इसका मतलब वो मटेरियल जरूर मैग्नेटाइज हो गया है। तो मैग्नेटाइजेशन का जो श्योर टेस्ट है वो क्या है, रिपल्सन। अगर रिपल्सन हो रहा है तो मटेरियल मैग्नेटाइज हो चुका है, हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी कभी यूनिफॉर्म की बात आती है तो हमेशा हम कैसा पैटर्न बनाते हैं, जैसा हमने पैटर्न बनाया इक्वली स्पेस्ड स्ट्रेट लाइन से हमेशा यूनिफॉर्म फील्ड रिप्रेजेंट होते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यूनिफॉर्म फील्ड ऑन द प्लेन ऑफ डायग्राम, जो भी प्लेन है उसी में ये डायग्राम बनाया गया। ये क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है जो यूनिफॉर्म है बट परपेंडिकुलर टू द पेपर और इनवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है। आप रट्टा मार लो, जब भी हम क्रॉस शो करें तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ शो कर रहा, अंदर की तरफ शो कर रहा। और अगर हम एक डॉट रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ डायग्राम। तो जिस प्लेन में ये डायग्राम है उसके नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहे हैं ये डॉट। तो ये हमारे थे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालते हैं। तो एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें अगर हम राइट साइड से देखते हैं तो करंट की डायरेक्शन हमें कैसी दिख रही है, एंटी क्लॉक वाइज। तो एंटी क्लॉक वाइज का मतलब था राइट साइड नॉर्थ पोल की तरह काम करेगी और लेफ्ट साइड साउथ पोल की तरह काम करेगी। तो इसके सेंटर से पे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाएगा क्योंकि हमने बताया था जिधर एंटी क्लॉक वाइज उधर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा क्योंकि वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जिस तरफ क्लॉक वाइज वो साउथ पोल की तरह काम करेगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। तो लेफ्ट साइड साउथ पोल और राइट साइड नॉर्थ पोल। और इस लूप का कुछ एक एरिया होगा, सपोज एरिया ए है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज एम इक्वल टू, वैसे तो एन आई ए होता है लेकिन चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे एक ले रहे हो तो ये हो जाएगा आई इंटू ए, एन की जगह हम क्या ले लेंगे वन।
तो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया आई इंटू ए, एन कैप इज शोइंग द डायरेक्शन। हमेशा आप याद रखिए कैप से रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर शो करता है और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन को शो कर रहा है और लूप से आउटवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसका ऐसा ही यूनिट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का ऐसा ही यूनिट रट्टा मार लो एम्पियर मीटर स्क्वायर। बच्चों आप लोग याद कर लो क्योंकि ये यूनिट्स बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, चाहे आपका इलेक्ट्रिक डायपोल का यूनिट हो चाहे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का यूनिट हो, तो ये आपको जानना चाहिए। तो व्हेन वी लुक एट एनी वन साइड ऑफ द लूप कैरिंग करंट, इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है याद कर लीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन दैट साइड ऑफ द लूप बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एंड इफ करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द साइड ऑफ द लूप बिहेव लाइक ए साउथ पोल। तो ये बातें याद रखिएगा, आगे आपका इंडक्शन में इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, और इंडक्शन में अगर आपको ये बातें क्लियर नहीं होंगी तो आप डायरेक्शन को इंड्यूस नहीं कर पाओगे करंट की। तो हम लोग बात करते हैं करंट सोलेनोइड एज ए मैग्नेटिक डायपोल और ए बार मैग्नेट। आप याद करिए एक सोलेनोइड क्या होता, सोलेनोइड जो है वो कई सारे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप्स को हम एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में अरेंज कर दें, तो ऐसा पैटर्न हमारा कहा जाता है सोलेनोइड। और सोलेनोइड का आप मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पैटर्न अगर देखो, जैसा कि हमने बनाया ये पैटर्न सेम टू सेम है जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट, तो आपका एक सोलेनोइड ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि वो एक बार मैग्नेट हो। आप देखिए जैसे ये सोलेनोइड था, हाँ ओके, अब आर यू गेटिंग, तो आवाज मिल रही है मेरी आपको? तो आप एक सोलेनोइड को आप देखो तो जैसा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पैटर्न है सेम टू सेम पैटर्न देखिए किसका है, बार मैग्नेट का। और बार मैग्नेट का जिस तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट की है उस तरफ नॉर्थ पोल। हाँ 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 अब देखो ओके, तो आप देखिए एक बार, हाँ क्या कह रहे तो ऐसा कैसे कह रहे, अबे चेक करना सभी लोग हो गए, अबे सब हो गए अटेंडीज, ओके नाउ तो दिख रहा है एक बार मैग्नेट था, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को, एक बार मैग्नेट सोलेनोइड था। अगर हम सोलेनोइड को रिप्लेस कर दे रहे हैं बार मैग्नेट से तो दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि एक सोलेनोइड जस्ट बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट,
एक सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो टिप याद रखिएगा, प्ले प्रीवियस एंड नेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द सिमिलर ऑफ द फील्ड ऑफ लाइंस। तो अभी हमने आपको करके दिखाया अभी बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट आपका कैसा होता है, एक एंड पॉइंट पे पी पोल को रिप्रेजेंट कर रहा, येलो कलर का डॉट जो हमने बनाया वो किसको इंडिकेट कर रहा, पोल को। इसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन आप याद रखिएगा हमेशा साउथ टू नॉर्थ। जैसे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ चलता है, लेकिन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट साउथ टू नॉर्थ चलता है, जस्ट उल्टा। तो हमारा जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है दैट टू वो साउथ टू नॉर्थ। इसकी पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे नाम देते हैं मैग्नेटिक लेंथ, या पी कही जाती है मैग्नेटिक लेंथ। और एक्चुअल में इसकी जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिकल लेंथ। ध्यान दीजिएगा, पोल एकदम इंड पे नहीं होते, इंड से थोड़ा पहले होते हैं, थोड़ा सा पहले। तो आपकी मैग्नेटिक लेंथ और जियोग्राफिकल लेंथ सेम नहीं होगी, मैग्नेटिक लेंथ जियोग्राफिकल लेंथ से बहुत थोड़ी सी कम हो जाएगी। और मैग्नेटिक लेंथ एक्चुअली कही जाती है सेपरेशन बिटवीन द पोल्स, एंड जियोग्राफिकल लेंथ द लेंथ ऑफ द बार पीस, मैग्नेटिक पीस इज कॉल्ड जियोग्राफिकल लेंथ। द लाइन ज्वाइनिंग द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। जो पोल्स को मिलाने वाली लाइन है वो क्या कही जाती है, मैग्नेटिक एक्सिस। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। पोल्स के बीच की डिस्टेंस क्या कही गई, मैग्नेटिक लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड द जियोग्राफिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। जो भी एंड पॉइंट के बीच सेपरेशन होगा वो मेरा क्या कहा जाएगा, जियोग्राफिकल लेंथ। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक लेंथ एंड जियोग्राफिकल लेंथ आर नियरली 0.84। ये डेटा याद कर लीजिए कि आपकी मैग्नेटिक लेंथ का रेशियो अगर हम जियोग्राफिकल लेंथ के साथ लें तो 0.84। अगर जियोग्राफिकल लेंथ 1 मीटर की है तो मैग्नेटिक लेंथ 84 सेंटीमीटर की होगी। ये रेशियो एग्जिस्ट करता और हर मैग्नेट के लिए लगभग सेम रहता है। मैग्नेटिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। तो ए पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाई ए फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल था वेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड थ्रू स्मॉल डिस्टेंस कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। वैसे मैग्नेटिक डायपोल क्या होता, वेन टू इक्वल एंड अपोजिट पोल ऑफ सेम स्ट्रेंथ। जैसे वहां चार्ज चलता था वैसे यहां पे मैग्नेटिज्म में क्या चलता है, स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। तो आपकी इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ के दो पोल जिनके बीच का कुछ सेपरेशन है, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस है, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ पोल्स को हम क्या नाम देंगे, मैग्नेटिक डायपोल। द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एम एंड सेपरेशन 2L बिटवीन द पोल्स। पोल्स के बीच सेपरेशन अगर 2L है और पोल स्ट्रेंथ M है तो डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन बिटवीन द पोल्स या मैग्नेटिक लेंथ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे वहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल में था प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ऐसे ही मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन बिटवीन द पोल्स या मैग्नेटिक लेंथ इज नोन एज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज एम इक्वल टू, कैपिटल एम से इंडिकेट कर रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को, स्मॉल एम 2L। और डायरेक्शन को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए एल कैप यूज किया। एल कैप की डायरेक्शन किधर से किधर लेंगे, साउथ टू नॉर्थ। तो ये मेरा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। ऐसा ही यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर, और डायपोल मूवमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो डायपोल मूवमेंट का यूनिट आप अभी सीख के आए थे एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऐसी पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, डायपोल मूवमेंट का यूनिट अपॉन डिस्टेंस का यूनिट। तो डायपोल मूवमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया एंड गिव्स यू एम्पियर मीटर। द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट
इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल अलोंग. हाँ क्या क्या हुआ? हेलो लैपटॉप सर, बैटरी जा रही है इसकी. तो उसे हम नाम दिए. जो डायरेक्शन लेते हैं वो किधर से किधर लेते हैं? साउथ टू नॉर्थ. तो ये बात बार बार आ रही है, याद कर लीजिए. कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, जैसे वहां कूलॉम्स लॉ था, बिटवीन टू चार्जेस द फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. सेम वे में कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या कहता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. जैसा कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक था, सेम टू सेम कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म भी वही है. बस फर्क इतना है, चार्जेस की जगह क्या आ गए? पोल स्ट्रेंथ आ गई, बाकी का सब कुछ सेम. तो अब अगर हमने दो मैग्नेट लिए, एक का पोल स्ट्रेंथ एम वन और दूसरे की पोल स्ट्रेंथ एम टू, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी लेट करते हैं? आर. तो जो कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो एफ दोनों को कंबाइंड करेंगे तो एफ इक्वल टू के एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर. थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे वन अपॉन आर स्क्वायर होना चाहिए, तो आप लोग करेक्ट कर लो, वन अपॉन आर स्क्वायर. अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करते हैं तो वी कैन राइट एफ प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर. इक्वल करने के लिए कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस किया, लेट दिस कॉन्स्टेंट इंडिकेटेड बाई के, एंड इस के की वैल्यू वहां पे क्या आई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक में? वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे वही कांस्टेंट रिप्लेस हो जाता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई से. तो एफ बिटवीन टू पोल्स जो फोर्स आया दैट इज म्यू नॉट एम वन एम टू अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर. एग्री है? वेयर के इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, इट इज ए कांस्टेंट, एंड म्यू नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा? फोर पाई इंटू टेन पावर माइनस सेवन टेस्ला मीटर पर एम्पियर. यूनिट्स याद करते चलिए सबका. तो म्यू नॉट का यूनिट क्या हो गया? म्यू या म्यू नॉट का यूनिट हो गया टेस्ला मीटर पर एम्पियर. इन द वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो एफ वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर. आर कैप, आर कैप किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? आर कैप इंडिकेट कर रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन को. अगर लाइक पोल्स हैं तो आउटवर्ड डायरेक्शन माने रिपल्सन लगेगा, और सपोज ये अपोजिट पोल्स हैं तो एक की पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव लोगे, दूसरे की पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव, तो प्रोडक्ट कैसा आएगा? माइनस. और माइनस आर कैप का मतलब इनवर्ड अंदर की तरफ, तो दोनों पोल को मिलाने वाली लाइन के अलोंग. और ऐसा फोर्स कैसा कहा जाता है? अट्रैक्टिव. तभी हम कहते हैं लाइक पोल अट्रैक्ट, नहीं सॉरी उल्टा बोल गए, अपोजिट पोल अट्रैक्ट एंड लाइक पोल रिपेल. क्लियर है मेरी बात? या हम फिर से रिपीट कर दे. नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच. मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच. तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए नॉर्थ पोल, फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए नॉर्थ पोल ऑफ यूनिट पोल स्ट्रेंथ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन मैग्नेट. किसी मैग्नेट की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा, उस फील्ड में अगर आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स निकालना है तो उस पॉइंट पे रखे यूनिट पोल स्ट्रेंथ पे जितना फोर्स लगता है वो फोर्स हमारा कहा जाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स. ध्यान दीजिए ये सेम टू सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरह. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था वैसे ही ये है. तो H की वैल्यू हमारी B अपॉन म्यू के बराबर. इसको अदर वर्ड में भी डिफाइन करते हैं, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो पर यूनिट लेंथ में जितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है उसे हम नाम देते हैं
उसे ही हम नाम देते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डिग्री और एक्सटेंट टू विच ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस. ये ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि कितना ज़्यादा ये किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकता है. इट इज ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डिग्री और एक्सटेंट टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए सब्सटेंस. अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को ज़्यादा मैग्नेटाइज कर पा रहा है, उसके पास ज़्यादा एबिलिटी है मैग्नेटाइज करने की, तो उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज़्यादा है. तो ये उसकी एक्सटेंट को भी बताया था. इट कैन ऑल्सो भी डिफाइंड एज द, बुक्स में आपको ये डेफिनेशन मिलती होगी, एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग विद यूनिट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड. ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि जो फोर्स एक्सपीरियंस करे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग विद, मतलब चल रहा है वो चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड. कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल मूव कर रहा है, तो नॉर्मल मूव करते समय यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स एक्ट करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड में, वो फोर्स का आ जाएगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी. देखिए कई सारी डेफिनेशन होगी, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. और जो इसकी मेन डेफिनेशन है वो आने ही वाली है. जैसे कि आप लोगों ने उधर पढ़ा था, द टोटल नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पासिंग थ्रू अ सोलेनोइड इज नोन एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी. इट एसआई यूनिट इज एम्पियर टर्न्स पर मीटर. इसका जो यूनिट हो जाएगा दैट विल बी द एम्पियर टर्न्स पर मीटर. तो आपका यूनिट, इसका यूनिट आप लोग याद कर लीजिए सिंपल, एम्पियर टर्न्स पर मीटर इसका यूनिट यूज करते हैं. इट्स सीजीएस यूनिट इज ओस्टर्ड. ओस्टर्ड के नाम पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी का यूनिट आया आपका ओस्टर्ड. द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तीन नाम है मैग्नेटिक फील्ड के. जिसे अभी तक तुम लोग मैग्नेटिक फील्ड बी कहते चले आए, उसका एक्चुअली नाम था मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. इतने सारे नामों से जाना जाता है. जैसे किसी बच्चे को स्कूल में कोई नाम, घर पे मम्मी कुछ और नाम बुलाती हो, दोस्त कुछ और नाम रखे हो, वैसे ही इसके भी कई सारे नाम रख दिए गए. तो इन सब का मतलब एक ही होता है. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू ए यूनिट एरिया ऑफ सब्सटेंस. किसी सब्सटेंस के यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स क्रॉस करती हैं, उसे हम उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं. क्लियर है मेरी बात? तो B इक्वल टू काय के बराबर आ गया, जैसे H इक्वल टू बी अपॉन म्यू था, तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू H, याद रखिएगा. इट्स एसआई यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर. बोर्ड का सवाल है ये बच्चों, याद कर लो. विच फिजिकल क्वांटिटी हैज द यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर इसका यूनिट टेस्ला भी होता है. इसका यूनिट टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी और टेस्ला. साथ में बोर्ड ने ये भी पूछा था ये फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर, तो आंसर आएगा वेक्टर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है. इस सीजीएस यूनिट इज गॉस, याद कर लीजिए इसका सीजीएस यूनिट क्या आता है मैग्नेटिक फील्ड का, गॉस. और वन गॉस इक्वल टू होता है 10^-4 टेस्ला. तो वन गॉस इक्वल टू 10^-4 टेस्ला. मैग्नेटिक फ्लक्स, बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. हाँ बोलो. तो है ही नहीं प्रगति, तो बोल दे कि सर से कह दो ऐड कर ले. प्रगति कुशवाहा, आईडी याद है प्रगति कुशवाहा?
हमने भेज दिया। देखो आ गई, हमें लग रहा आ गई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, तो क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। किसी सरफेस से जितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास करेंगी नॉर्मली, वो फील्ड ऑफ लाइंस क्या कही जाएंगी? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? सिंपल आप लोग याद कर लो, इट इज डिफाइंड एज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे ही है, जैसे वहां कहते थे द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट्स एसआई यूनिट इज वेबर। इसका यूनिट क्या होता है? वेबर। और इसका एक यूनिट और होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसका एक यूनिट और हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। और अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा, इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा कितना? गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स एसआई यूनिट इज वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर या गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। रिलेशन बिटवीन बी एंड एच, तो रिलेशन निकालते हैं। तो B इक्वल टू क्या था? म्यू एच। म्यू इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू कैसे डिफाइन की गई? अगर म्यू को लिखें तो वो क्या हो जाएगी? B अपॉन एच। इट इज द डिग्री और एक्सटेंड टू विच ए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैन पास एंटायर सब्सटेंस। अगर कहीं पे म्यू की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स किसी स्पेस में थी, अगर वहां पे हमने कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पहले के कंपैरेटिव अब इस मटेरियल को पेनिट्रेट करके निकल जा रही हैं, ये बात हमें कौन बताएगा? परमिएबिलिटी बताएगा। और डेफिनेशन एक बार फिर से मन में याद करो, इट इज द डिग्री और एक्सटेंड टू विच अ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैन पास एंटर अ सब्सटेंस। किसी मटेरियल में कितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पेनिट्रेट करके निकल जाएंगी, ये हमें इन्फॉर्म करेगा कौन? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा है तो वो उस मटेरियल से, जिस मटेरियल के लिए म्यू की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस मैग्नेटिक मटेरियल को या मटेरियल को पेनिट्रेट करके या क्रॉस करके मूव करेंगी। इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला मीटर पर एम्पियर। किसका? परमिएबिलिटी का। अभी अब थोड़ी देर पहले आपने सीखा था टेस्ला मीटर पर एम्पियर या वेबर पर एम्पियर पर मीटर। वेबर पर एम्पियर पर मीटर या एक यूनिट और होता है हेनरी पर मीटर। यहाँ पे एच, चलो इसको हम अभी बताते हैं। एच का मतलब यहाँ पे क्या है? रिलेशन रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर। किसी मीडियम की परमिएबिलिटी म्यू है और वैक्यूम की परमिएबिलिटी म्यू जीरो, तो मीडियम की परमिएबिलिटी का रेशियो वैक्यूम की परमिएबिलिटी के साथ जो रेशियो होता है उसे हम नाम देते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन ए मटेरियल टू दैट ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन ए मटेरियल टू दैट ऑफ इन वैक्यूम। तो वैक्यूम की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है या परमिएबिलिटी है और किसी मीडियम की परमिएबिलिटी म्यू है, तो म्यू जीरो, म्यू और म्यू जीरो के रेशियो को
हम बोलते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी, तो म्यू आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू अपॉन म्यू जीरो. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू दैट ऑफ इन वैक्यूम. तो किसी मटेरियल की जो परमिबिलिटी होती है उसे एक नाम और दिया जाता है एब्सोल्यूट परमिबिलिटी. तो एब्सोल्यूट परमिबिलिटी का रेशियो वैक्यूम की परमिबिलिटी के साथ आप लेते हो तो हमें क्या मिलता है, रिलेटिव परमिबिलिटी. तो म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू जीरो या फिर बी अपॉन बी जीरो. बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल के अंदर है, और बी जीरो क्या है, जो आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए. तो जैसे हमने किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए बी जीरो अप्लाई किया और मटेरियल मैग्नेटाइज होने के बाद जो नेट मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है वो बी शो कर रहा है, तो बी का रेशियो बी नॉट के साथ ओरिजिनल के साथ लोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, रिलेटिव परमिबिलिटी. तो ये आपकी रिलेटिव परमिबिलिटी को शो करता है. नेक्स्ट आते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई से इंडिकेट करते हैं. इट इज द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड. कोई मटेरियल कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है, उसकी एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइज होने की जो एबिलिटी है वो किससे रिप्रेजेंट की जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से. अगर मटेरियल ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जा रहा है तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा है. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एम एक्वायर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस. सपोज बी वॉल्यूम का कोई मटेरियल था और किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा और वो मैग्नेटाइज हुआ. मैग्नेटाइज होने का मतलब क्या है, उस मटेरियल में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हुआ. और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इंड्यूस होगा पर यूनिट वॉल्यूम, उसे हम नाम देंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कैपिटल एम एक्वायर, मतलब जो प्रोड्यूस हुआ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस. ये मैथमेटिकली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को बताता है. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द पोल स्ट्रेंथ एम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ए ऑफ द सब्सटेंस. कोई मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हुआ, मैग्नेटाइज होकर उसके अंदर पोल स्ट्रेंथ एम प्रोड्यूस हुई, तो पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, क्योंकि क्रॉस सेक्शन का पर एरिया ए मान लें अगर हम, जैसे कि अगर हम लेट करते हैं कि यहाँ पे एक ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में मटेरियल है, अगर ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में मटेरियल को हम कंसीडर कर लें तो अगर हमने इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा और ये मैग्नेटाइज हो गया, यानी इसके अंदर नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम प्रोड्यूस हुआ, तो इसकी कुछ पोल स्ट्रेंथ भी होगी स्मॉल एम. तो अगर इस मटेरियल का टोटल वॉल्यूम हम लेट कर लेते हैं वी, तो डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो प्रोड्यूस होगा उसे हम नाम देंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या फिर हम इसे डिफाइन कर सकते हैं पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया. सपोज पोल स्ट्रेंथ इसमें एम इंड्यूस हुई और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया को भी हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. इसे भी हम आगे प्रूफ कर देंगे, प्रूफ करके बताएंगे. तो आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट की बात करते हैं. आई इक्वल टू एम अपॉन बी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई इक्वल टू क्या हो गया, एम अपॉन बी. एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एम की जगह हम लिख सकते हैं स्मॉल एम इंटू टू एल, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ इंटू पोल लेंथ, तो एम इंटू टू एल. और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू टू एल. टू एल से टू एल कैंसिल हो गया और ये आई की वैल्यू कितनी आ गई, एम अपॉन ए. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया के बराबर होती है. तो ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज एम्पियर पर मीटर. आप निकाल लो, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का यूनिट क्या हुआ, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब. तो मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा मीटर, तो एम्पियर पर
मीटर. द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सी एम से रिप्रेजेंट किया गया है, वैसे बुक्स में से चाइ एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच शोज हाउ इजिली ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज. कोई मटेरियल कितना आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा ये हमें बताता है कौन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है तो मैग्नेटिक मटेरियल आसानी से मैग्नेटाइज होगा, जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा. और अगर उसका चाइएम कम है तो मैग्नेटाइज तो होगा बट वेरी स्लो रेट और बहुत कम उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई इन ए सब्सटेंस टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच अप्लाइड टू द सब्सटेंस. किसी सब्सटेंस में आपने मैग्नेटिक इंटेंसिटी अप्लाई की एच सपोज, और वो मैग्नेटाइज होकर मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्रिएट किया आई, तो कोई मटेरियल कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज होकर मैग्नेटिक इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है एच, ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन आई के. इक्वल करने के लिए हम लोग एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे एंड दैट कॉन्स्टेंट इंडिकेटेड बाई दैट इज सी एम. तो आप अगर इसे लिखोगे तो सी एम इक्वल टू आई अपॉन एच, या इसे डिफाइन ऐसे भी किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई इन ए सब्सटेंस टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच अप्लाइड टू द सब्सटेंस. तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हैज नो यूनिट, क्योंकि आई और एच का सेम यूनिट आया तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का भी कोई यूनिट नहीं होता. और भैया अगर यूनिट नहीं होता तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होगा. तो हम लोग एक रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं बिटवीन मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू आर और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सी एम. तो निकालते हैं भैया इसे. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल बार मैग्नेट, लगता कुछ मिसिंग है. दरअसल जो रिलेशन आता है रिलेटिव परमिबिलिटी और चाहिए हमें, ये थोड़ा सा कट गया है स्क्रीन पे नहीं आ रहा तो आप लोग समझ लो. रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर इक्वल टू वन प्लस सी एम के बराबर होता है. रिलेटिव परमिबिलिटी वन प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बराबर होता है. ससेप्टिबिलिटी में आप वन ऐड कर दो तो क्या मिल जाती है, रिलेटिव परमिबिलिटी मिल जाती है. तो इसको भी अभी हम आगे चल के ड्राइव करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू है मैग्नेटिक डायपोल मतलब बार मैग्नेट. तो हमने एक लेट किया भैया एट इट एक्सियल पॉइंट लाइन ऑफ ए मैग्नेट. मैग्नेट के पोल्स को मिलाने वाली लाइन के अक्रॉस यानी कि उसके एक्सिस पे हम निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड. तो हमने एक बार मैग्नेट लेट किया जिसका सेंटर है ओ और नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल राइट साइड एंड साउथ पोल लेफ्ट साइड, और इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम है. और इस टोटल डिस्टेंस जो हमने लेट की पोल लेंथ लेट की वो ली लेट टू एल. तो सेंटर से ये दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, एल. तो इस मैग्नेट से कुछ दूरी पे पॉइंट लेट किया पी जिसकी सेंटर से दूरी हमने कितनी मानी एक्स. तो इस पी पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे, एक नॉर्थ की वजह से और एक साउथ की वजह से. साउथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम होगा और नॉर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा क्योंकि नॉर्थ पास है और साउथ पोल दूर है. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे आएगा बी पी इक्वल टू बी एन माइनस बी एस. नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड से साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा. तो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व होके आता है वो आता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर. यहाँ पे एक हम एजम्पशन लेट करते हैं कि जो एल है मेरा दैट इज वेरी वेरी लेस देन एक्स, तो एल स्क्वायर टेंडिंग टू जीरो. तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू एम अपॉन एक्स क्यूब.
यहाँ पे सॉल्व करके डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, एंड दैट इज पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम आया जितना इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पे आया था। डायपोल में ये 1/4πε0 2πx³ हो गया था, तो यहाँ पे μ0/4π 2m यहाँ भी है, √x³ यहाँ भी है, सेम टू सेम जस्ट लाइक ए इलेक्ट्रिक डायपोल। तो एट ए पॉइंट ऑन अ इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ मैग्नेट, तो सेंटर से y डिस्टेंस दूर एक पॉइंट लेते हैं q, इस पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे, लेट कर लेते हैं कि एस क्यू लाइन एस एन से थीटा एंगल बना रही है, तो नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड और साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। तो अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालते हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट एकदम बीच से होके जाएगा, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे क्यू पॉइंट पे। तो अगर हम थीटा एंगल लेट करते हैं बेस लाइन के साथ, तो ऊपर वाला भी एंगल थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि आपके ये पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर, और अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो दोनों एंगल आपके थीटा के बराबर। तो आप एन नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी एन और एस एन के कंपोनेंट्स लेट कर लो, तो बी एन का बेस लाइन की डायरेक्शन में कंपोनेंट्स निकालेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो आपका पैरेलल लाइन के अलोंग कंपोनेंट्स आएंगे वो जुड़ जाएंगे और नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा 2B cos थीटा। बी की वैल्यू रिप्लेस करते हो तो इक्विटोरियल पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है μ0m/4π2² + L²³³। और इसमें भी एक एजम्पशन लेट करते हैं, जो बाई है वो एल है, वो बाई के कंपैरेटिव बहुत ही छोटा, तो L² tending to 0 रख देते हैं, तो पी पॉइंट पे लगभग मैग्नेटिक फील्ड आता है μ0/4π/Q। लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डायपोल मूवमेंट डायरेक्शन के अपोजिट आती है, तो आप याद रखिएगा इक्विटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड डायपोल मूवमेंट के अपोजिट होता है, लेकिन एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में होता है। तो आप ये वाइट कलर से जो हमने दो पॉइंट्स लिखे हैं आपको याद रखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन एक्स अलोंग द डायपोल मूवमेंट वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन इक्विटोरियल लाइन एक्ट अपोजिट टू द डायपोल मूवमेंट ऑफ वेक्टर। यही बात हम बोल रहे थे कि इक्विटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड डायपोल मूवमेंट के अपोजिट और इक्विटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड डायपोल मूवमेंट की अलोंग होगा, की डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट बात करते हैं टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल और ए बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेट किया जो कि लेफ्ट टू राइट प्लेन में शो कर रहा, एक बार मैग्नेट हम लेट करते हैं जिसकी पोल स्ट्रेंथ एम, नॉर्थ पोल ऊपर दिखाया गया, साउथ पोल नीचे दिखाया गया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पे फोर्स लगता है F=QE, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक पोल पे फोर्स लगता है पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका नॉर्थ पोल पे फोर्स हो गया MB और साउथ पोल पे भी फोर्स हुआ MB, बट साउथ पोल पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट और नॉर्थ पोल पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि आप याद रखिएगा जो नॉर्थ पोल काम करता है वो इक्विवेलेंट है जस्ट लाइक ए पॉजिटिव चार्ज, और साउथ पोल इक्विवेलेंट है जस्ट लाइक ए नेगेटिव चार्ज। तो ये इस तरह रिलेट कर सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए दोनों फोर्सेस के बीच की, तो हम अगर लेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट के बीच एंगल थीटा है, तो आपका ये एंगल थीटा रिप्रेजेंट होगा और दोनों के पोल लेंथ आपने 2L लेट की है, तो हाइपोटेनस आपकी 2L हो गई, एंगल थीटा, थीटा के सामने जो परपेंडिकुलर आपको निकालना है, तो आपने ट्रिगोनोमेट्री में सीखा है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरी कितनी आ गई 2L sin थीटा। तो हम बात करते थे फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड MB एक्ट्स अपोजिट टू ईच अदर, एंड हेंस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, क्योंकि इस बार मैग्नेट पे नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, जीरो एक्ट कर रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, ये बैलेंस फोर्स है, दोनों बैलेंस हो जाएंगे और नेट फोर्स जीरो, सो देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन इन द मैग्नेट। तो कोई बार मैग्नेट अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है
उसमें कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता। हाउएवर द फोर्सेस आर अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, चूंकि ये डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है एंड कंस्टिट्यूट ए कपल, और ये कपल फॉर्म कर रहे हैं जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जिनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो किसी बॉडी पे एक्ट करते हैं, तो ऐसे फोर्स क्या बनाते हैं, कपल, एंड हेंस द मैग्नेट विल रोटेट एंड एक्सपीरियंस ए टॉर्क। क्योंकि कपल जो है वो ट्रांसलेटरी इफेक्ट नहीं शो करता बल्कि रोटेटरी इफेक्ट करता है, और रोटेटरी इफेक्ट का मतलब टॉर्क एक्सर्ट करेगा। और टॉर्क कितना होता है कपल का, कपल का आपको टॉर्क निकालना है तो आपको फोर्स लेना पड़ेगा और दोनों फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क ऑन अ ड्यू टू कपल इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैग्नेटिक फोर्स मेरा कितना था एम बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L साइन थीटा। एम और 2L को एक साथ ले लेते हैं तो एम और 2L क्या हो जाएगा मिलके, एम और 2L मिलके हो जाएगा कैपिटल एम बी साइन थीटा। तो हमारा जो टॉर्क आता है वो आता है एम बी साइन थीटा, थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा, एम बी वैक्टर बी बी वैक्टर। तो जो मैग्नेटिक डायपोल पे या बार मैग्नेट पे टॉर्क लगता है दैट इज एम क्रॉस बी। तो हमारा एक डायपोल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर टॉर्क आएगा एम क्रॉस बी, एग्री। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से डायपोल मूवमेंट अगर थीटा एंगल बना रहा है तो जो टॉर्क होगा वो एम क्रॉस बी की डायरेक्शन में होगा। अगर आप एम क्रॉस बी को राइट हैंड पाम रूल से या स्क्रू रूल से आप निकालो तो टॉर्क की डायरेक्शन किधर की तरफ आएगी, डाउनवर्ड। आप एक स्क्रू को ट्विस्ट करो एम टू बी तो ये स्क्रू नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा। स्क्रू रूल कहता है कि यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, डाउनवर्ड। तो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन कंटेनिंग एम क्रॉस बी। तो उस प्लेन के नॉर्मल होगा हमारा टॉर्क जिसमें एम और बी लाई कर रहे हो, क्योंकि ए क्रॉस बी हमेशा ए और बी को लाई करने वाले प्लेन के नॉर्मल होते हैं। इसीलिए जो टॉर्क है वो एम और बी दोनों के नॉर्मल होगा, एक्चुअली उस प्लेन के नॉर्मल होगा जिस प्लेन में एम और बी लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्क डन ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी हमने शो किया, एक बार मैग्नेट थीटा वन एंगल पे था, उस पर टॉर्क लग रहा था, तो हमने इसे रोटेट करा के कितने एंगल पे ले गए, थीटा टू तक ले गए, थीटा वन से थीटा टू तक ट्विस्ट किया। तो जो किसी जनरल पॉइंट पे हम लैड करते हैं ये डायपोल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा, उसी टाइम पे हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस इसे किया कितना डी थीटा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जैसे फोर्स की वजह से वर्क डन होता है एफ इक्वल टू सॉरी डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस, वैसे ही टॉर्क की वजह से वर्क डन होता है टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डी डब्ल्यू मेरा आ गया टाउ डी थीटा, टॉर्क की वैल्यू अभी आपने निकाल ली थी एम बी साइन थीटा डी थीटा। अगर हम वर्क डन टोटल निकालना चाहते हैं तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हमने इंटीग्रेट किया डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, और इस साइड आ गया इंटीग्रल एम बी साइन थीटा डी थीटा, और डब्ल्यू इक्वल टू एम बी। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और जब हम प्रॉपर लिमिट में इसे इंटीग्रेट करेंगे थीटा वन टू थीटा टू तो ये सॉल्व होके आएगा एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो हम इसे इंटीग्रेट किए थे थीटा वन से थीटा टू तक। इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज आर्बिट्रेरी टेकन जीरो व्हेन द डायपोल इज एन 90 डिग्री, अगर कोई डायपोल 90 डिग्री पे तो हम लेट करते हैं वहां पे जो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी, मान के चलते हैं अभी। देन पोटेंशियल एनर्जी इन रोटेटिंग अ डायपोल इंक्लाइन इट एट एंगल थीटा। अब हमने क्या किया 90 डिग्री पे एक डायपोल लिया, वहां पे मानते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और इसको थीटा एंगल ट्विस्ट करते हैं 90 से थीटा तक ट्विस्ट करते हैं। इसको ट्विस्ट करने में आपको जितना वर्क करना पड़ेगा, चूंकि आपने 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है, तो यहां से जितना भी आप ट्विस्ट करने में वर्क करोगे वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। तो किसी एंगल थीटा पे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जाता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ट्विस्टिंग अ मैग्नेटिक डायपोल फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा। किसी मैग्नेटिक डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जाती है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ट्विस्टिंग अ
मैग्नेटिक डायपोल फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी कितनी आ गई, माइनस एम बी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा वन की जगह 90 रखा और कॉस थीटा टू की जगह थीटा ले लिया. कॉस 90 कितना होता है, जीरो, और कॉस थीटा, तो ये वैल्यू आती है माइनस एम बी कॉस थीटा. एम बी कॉस थीटा जाना पहचाना लग रहा है, दैट इज एम डॉट बी. तो हम कह सकते हैं किसी डायपोल की, चाहे इलेक्ट्रिक डायपोल हो चाहे मैग्नेटिक डायपोल हो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी एम डॉट बी, और इलेक्ट्रिक डायपोल है तो पी डॉट ई, सॉरी माइनस माइनस एम डॉट बी होगी मैग्नेटिक डायपोल के केस में, और इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में हो जाएगी माइनस पी डॉट ई. एक नोट है जरा याद रखिएगा. तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी टेकन जीरो आर्बिट्री एट एनी पोजिशन ऑफ द डायपोल. आप किसी भी पोजिशन पे आप लेट कर सकते थे, लेकिन हमने वो पोजीशन कौन सी चूज की, जीरो डिग्री को चूज, सॉरी 90 डिग्री को चूज किया, और 90 डिग्री पे माना आप पोटेंशियल एनर्जी को किसी भी एंगल ओरिएंटेशन पे आप लेट कर सकते हो, तो उसी के हिसाब से आपकी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी अलग आएगा. तो स्टैंडर्ड वे में हमने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कहां पे लेट किया, 90 डिग्री पे. तो उसके हिसाब से हमारा फॉर्मूला आया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन मैग्नेटिक डायपोल इज P डॉट माइनस एम डॉट बी. यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं, जरा बात करते हैं. ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या होती है, ज्योग्राफिकल एक्सिस इट इज ए स्ट्रेट लाइन. ना ना ना, हमें पैकअप करना पड़ेगा, बीच में हम नहीं छोड़ सकते. आपको क्विट करना आप कर सकते हो. इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल पोल ऑफ द अर्थ. इट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशनल ऑफ अर्थ. ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या है, ये एक लाइन है पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल पोल्स ऑफ अर्थ. अर्थ के दो पोल होते हैं, ज्योग्राफिकल पोल, एक मैग्नेटिक पोल. तो ज्योग्राफिकल पोल से जाने वाली जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, उसे हम नाम देते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस. इट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. अगर हम लेट करें कि अर्थ किसी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है, उसी एक्सिस को हम नाम देते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस. नेक्स्ट आया ज्योग्राफिकल मेरिडियन. एट एनी प्लेस ऑन अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ. ध्यान दीजिएगा, एक वर्टिकल प्लेन जो जो कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल से होके जाता हो, उस प्लेन को हम नाम देते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन. ज्योग्राफिकल मेरिडियन की सीधी सिंपल डेफिनेशन याद कर लो, ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल पोल्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफिकल मेरिडियन. ऐसे आता है ज्योग्राफिकल इक्वेटर. इट इज ए ग्रेट सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिकल एक्सिस. ज्योग्राफिकल एक्सिस जो भी है अर्थ की, उसके परपेंडिकुलर प्लेन से होके जाने वाला एक सर्कल है ये. ऑल द पॉइंट्स ऑन विच ऑन इट ज्योग्राफिकल इक्वेटर आर एट ए इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ज्योग्राफिकल पोल. आप देखिएगा, इस ज्योग्राफिकल इक्वेटर पे हर पॉइंट ज्योग्राफिकल पोल से इक्वी डिस्टेंस होगा. जितना नॉर्थ पोल दूरी पे होगा, उतनी दूरी पे साउथ पोल होगा. ऐसे सर्कल को हम नाम देते हैं ज्योग्राफिकल इक्वेटर. नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक एक्सिस. जो आप अर्थ के अंदर एक मैग्नेट मान रहे हो, अर्थ के अंदर एक मैग्नेट कंसीडर कर रहे हो, उस मैग्नेट के पोल से होके जाने वाली स्ट्रेट लाइन को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक एक्सिस. तो डेफिनेशन है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ ए अर्थ. इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ. इट इज इंक्लाइंड ज्योग्राफिकल एक्सिस नियरली ए एंगल 17 डिग्री. आप ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच एक स्टैंडर्ड एंगल होता है 17 डिग्री का. दोनों एक दूसरे से अलाइन रहते हैं, थोड़ा सा एंगल पे बैंड है. मैग्नेटिक मेरिडियन
सेम वही डेफिनेशन इसके लिए भी हम यूज करेंगे, एट एनी प्लेस इन वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल. वहां पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल यूज किया था, यहाँ पे हम यूज करेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल. और ऐसे वर्टिकल प्लेन को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन. लास्ट आता है मैग्नेटिक इक्वेटर. इट इज ए ग्रेट सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस. मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर एक सर्कल है. किसके परपेंडिकुलर? जो एक्सिस ऑफ मैग्नेट है उसके परपेंडिकुलर सर्कल है. ऑल द पॉइंट्स ऑन अ मैग्नेटिक इक्वेटर आर एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेटिक पोल्स. मैग्नेटिक इक्वेटर पे कोई भी पॉइंट आप ले लेना, वो पॉइंट मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल से इक्विडिस्टेंस होगा. डिक्लिनेशन, मानते हैं कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन मेरा ये है और इससे थोड़ा सा एंगल बना के है मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन. तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच एंगल हमने लेट कर लिया थीटा. इसी को हम नाम देते हैं डिक्लिनेशन. द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन एट ए प्लेस इज डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस. उसे हम नाम देते हैं डिक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. तो द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या सिंपल डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस. इट वेरीज प्लेस टू प्लेस. हम जगह जगह अगर इस एंगल को मेजर करें तो इस एंगल की वैल्यू अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग होगी. आगे बात करते हैं. द लाइन शोन ऑन द मैप थ्रू द प्लेसेस दैट हैव द सेम डिक्लिनेशन आर कॉल्ड आइसोजोनिक लाइंस. जो लाइंस आपका ग्लोब देखा है, ग्लोब ग्लोब पे आप देखोगे एक लाइंस ड्रॉ की जाती हैं. तो जो लाइंस आपकी ड्रॉ की गई हैं ग्लोब पे ऑन द मैप थ्रू द प्लेस दैट हैव द सेम डिक्लिनेशन, जहां पे डिक्लिनेशन एंगल या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन सेम है, वो आपके प्लेसेस आइसोजोनिक प्लेसेस कहे जाते हैं, आइसोजोनिक लाइंस कहे जाते हैं. लाइन ड्रॉन थ्रू प्लेसेस दैट हैव जीरो डिक्लिनेशन इज कॉल्ड एन एगोनिक लाइंस. ध्यान दीजिएगा, जहां पे डिक्लिनेशन एंगल जीरो है, वो लाइंस जहां पे डिक्लिनेशन एंगल जीरो है, वो प्लेसेस मेरे कहे जाते हैं. उन प्लेसेस पे जो लाइंस है उन्हें हम बोलते हैं एगोनिक लाइंस. डिप और डिक्लिनेशन डेल. तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है उसे हम नाम देते हैं मैग्नेटिक एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. तो आप डेफिनेशन सिंपल याद कर लीजिए. जैसे कि आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ मैग्नेटिक फील्ड एंगल बना रहा है डेल, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए बी एच एंड बी वी. द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ्स रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज डिप और इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट दैट प्लेस. किसी मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो भी एंगल बना रहा होगा वो एंगल हमारा कहा जाएगा एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जगह जगह अलग अलग होते हैं. इट इज जीरो एट द इक्वेटर एंड 90 एट द पोल्स. रट्टा मार लो, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है. हम आपके बोर्ड का एक नंबर का सवाल दे रहे हैं, यही है. वेयर द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज जीरो, वेयर इज इट इज 90. तो इट इज जीरो एट इक्वेटर एंड 90 एट पोल्स. लाइन्स ड्रोन अप ऑन अ मैप थ्रू द प्लेसेस दैट हैव द सेम डिप आर कॉल्ड आइसोक्लिनिक लाइन्स. वो लाइंस जो आप मैप पे ड्रॉ कर रहे हो जिन जहां पे एंगल ऑफ डिप सेम हो या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम हो, वो लाइंस आपकी क्या कही जाएंगी? आइसोक्लिनिक लाइंस. जहां पे एंगल ऑफ डिप सेम होगा दैट इज कॉल्ड आइसोक्लिनिक लाइन. द लाइन ड्रॉन थ्रू द प्लेसेस दैट हैव जीरो डिप. जहां पे जीरो डिप होगा वो प्लेसेस पे जो ड्रॉन लाइन है उन्हें हम नाम देंगे एज एक्ट क्लिनिक लाइंस.
इट इज अ मैग्नेटिक इक्वेटर। और एक्लिनिक लाइंस कहाँ पे लाई करती हैं? मैग्नेटिक इक्वेटर्स पे लाई करती हैं। जहाँ जहाँ मैग्नेटिक इक्वेटर होता है वहाँ पे जो भी आप लाइन ड्रॉ करोगे वो क्या कहेंगे? एक्लिनिक लाइंस। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH। तो द टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट लाई इन एनी हॉरिजॉन्टल प्लेन। कभी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन या टोटल वर्टिकल प्लेन में लाई नहीं करती, ये किसी बीच में से होके पास करती है मैग्नेटिक फील्ड। किसी प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड ना ही हॉरिजॉन्टल होता है ना वर्टिकल, बीच में से होके जाता है। इट लाइज अलोंग द डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ डिप डेल टू द हॉरिजॉन्टल। अभी आपने सीखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल से डिप एंगल बनाता है, डेल एंगल फॉर्म करता है। द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल, along the horizontal at an angle del is called horizontal component of earth magnetic field। earth magnetic field का horizontal direction में जिस तरफ से del angle बन रहा है उस direction में जो component होता है that is called horizontal component of magnetic field। तो horizontal component of magnetic field BH equal to कितना आ जाएगा? B cos del, क्योंकि angle del बन रहा है। जिधर हमें component लेना अगर उधर angle del है तो हमारा कंपोनेंट कितना आएगा? कॉस से रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरफ एंगल बन रहा हो कंपोनेंट को, तो बी एच इक्वल टू हम लिखेंगे बी कॉस डेल। ऐसे ही वर्टिकल कंपोनेंट मेरा क्या आ जाएगा? सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट इज बी बी इक्वल टू बी साइन डेल। तो अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट लें तो बी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। अगर किसी प्लेस पे हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट आपको दे दें तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है that is equal to square root of squares of horizontal and vertical component के सम के बराबर होता है। अगर हमारे पास horizontal और vertical component है तो इस formula की help से हम वहाँ पे निकाल सकते हैं कि net magnetic field क्या होगा। कंपैरिजन बिटवीन पैरा डाया एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जरा देखते हैं इसकी बातें। कौन आया था? ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आया डाया पर। हाँ बाद में बेटा पूछ लेना, हम ये सोच रहे थे ये लेक्चर कंप्लीट करके यूट्यूब पे आप लोगों के लिए डालना था हमें। लेट मी फिनिश देन डाया पर। हाँ बोल दो आप बोलो क्या। अब हमें कट करना ही पड़ेगा, कट करना ही पड़ेगा, तुम बोल दो हम कट कर लेंगे इसे। बोलो जैसे अगर हम बात करें ये अर्थ है, अर्थ के अंदर ये मैग्नेट है और ये इसके पोल है और इन पोल से होके जाने वाली लाइन मैग्नेटिक एक्सिस है। ये मैग्नेटिक एक्सिस, फिर कंफ्यूजन क्या है? ये जो पोल्स के बीच का सेपरेशन होता है वो पोल लेंथ कहा जाता है। उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? पोल लेंथ। दोनों अलग अलग चीजें हैं, मैग्नेटिक एक्सिस अलग चीज है, पोल लेंथ वो पोल लेंथ है। अच्छा ज्योग्राफिकल लेंथ। हाँ हाँ तो ज्योग्राफिकल लेंथ नहीं सर, लेकिन ये पूछ रहे थे कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं मैग्नेट के उसमें पोल्स प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा सा अंदर होते हैं। अभी हमने जैसे मैग्नेट बनाई तो हल्का सा अंदर होते हैं, यहाँ कहीं होते हैं सर।
सर वेरिएशन बहुत बहुत ही थोड़ा सा होता होगा। तो अभी हमने रेशियो बताया तो था उसका जियोग्राफिकल लेंथ और मैग्नेटिक पोल लेंथ का जो रेशियो होता है 0.83 होता। थोड़ा सा डेफ यूज कुछ नहीं, ये देखा जाता है कि एकदम एंड पॉइंट पे पोल्स हमारे एग्जिस्ट नहीं करते, जो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला पॉइंट होता है वो ये पोल होता है, और वो पोल एंड पे नहीं लाई करता, थोड़ा सा अंदर लाई करता, क्योंकि बात ये होगी कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स ऐसे आ रही है, ज्यादा इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, जहां पे सारी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स मीट कर रही हो वो मीट कर रही है अंदर, तो ये जो पॉइंट है वो एंड पॉइंट से थोड़ा सा अंदर लाई करता है, यहाँ पे सारी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स कोइंसाइड कर जाती है, इकट्ठी हो जाती, तो वहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड शो करने लगता और वही आपका कहा जाता है पोल। हाँ ये टॉपिक हमारे ख्याल से लास्ट ही है, पैकअप कर लो तो थोड़ा सा आसान रहेगा, इसकी बार बार हमें बातें नहीं करनी पड़ेंगी। तो डाया पैरा कैरो, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच आर फीबली रिपेल्ड बाई ए मैग्नेट, ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की थ्रू रिपेल होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, डाया मैग्नेटिक मटेरियल। द पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच आर फीबली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट, किसी मैग्नेट के थ्रू बहुत कम बहुत माइन्यूट सा अट्रैक्ट होते हो उन्हें हम नाम देते हैं पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट बाई ए मैग्नेट। आपको एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, जैसे कि तीन तीन एग्जाम्पल ऊपर के याद कर लो, एंटीमनी बिस्मथ कॉपर गोल्ड सिल्वर ये सब डाया है, एल्यूमिनियम क्रोमियम एल्केलाई एल्केलाई अर्थ मेटल्स ये सब क्या होती हैं पैरा, और आयरन कोबाल्ट निकिल ये है फेरो, क्योंकि एग्जाम में ये एग्जाम्पल के साथ पूछा जाता है। अगला कंपैरिजन क्या है, व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड द लाइन ऑफ फोर्स टेंड्स टू अवॉइड द सब्सटेंस, अगर ये मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स अवॉइड करती है, माने उससे होके पास कर कम करती है, यानी रिपेल हो जाती है फील्ड ऑफ लाइन्स। अभी हम डायग्राम में दिखाएंगे, जैसे कि आपने इस डायग्राम में देखा कि मैग्नेटिक फील्ड अवॉइड करके निकल गई दोनों तरफ से, तो ऐसे मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स क्रॉस करने के लिए पेनिट्रेट करने के लिए अवॉइड करती हैं, जबकि जो आपकी लाइन ऑफ फोर्स प्रिफर टू पास थ्रू द सब्सटेंस रादर देन एयर, तो ऐसी मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स पास करना चाहती हैं या प्रिफर करती हैं उनसे पास करना, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में बहुत स्ट्रॉन्गली, जैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स की भी सेपरेशन ज्यादा है, यहाँ पे सेपरेशन और घट गया, इसने और ज्यादा फील्ड ऑफ लाइन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट किया। नेक्स्ट डिफरेंस है, व्हेन प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड, अगर आप डायमैग्नेटिक मटेरियल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये वीक मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेगा। व्हेन प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड फीबली अट्रैक्टिव, यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टेंस करेंगे मूव करने की, और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर आप प्लेस कर दे तो प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड, यानी मूव करेंगे लेकिन बहुत जल्दी से क्विक। नेक्स्ट डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस की बात करते हैं, व्हेन ए डायमैग्नेटिक रॉड इज फ्रीली सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट अलाइन इटसेल्फ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, फील्ड के परपेंडिकुलर अपने आप अलाइन हो जाएगी, और ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, व्हेन ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऑफ रॉड इज फ्रीली सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड, ये रॉड अपने आप अलाइन कर जाएगी किधर की डायरेक्शन में, पैरेलल टू द फील्ड में। और लास्ट फेरोमैग्नेटिक कैसे बिहेव करेगा, व्हेन ए पैरामैग्नेटिक रॉड इज फ्रीली सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड वेरी क्विकली, टर्न करेगी लेकिन बहुत तेजी से बहुत जल्दी से, जैसे कि अब आपको अगर हम डायग्राम में दिखाएं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था तो ये अलाइन कर जाएगी कैसे, नॉर्मल, जब इसको हम रखेंगे
तो ये अलाइन करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और लास्ट वाले की बात करें तो ये बहुत जल्दी से अलाइन करेगी, अलाइन दोनों करेंगी, पैरा और फेरो दोनों करेंगी, बट ये जो ये वाली होगी फेरो वो बहुत जल्दी से। फोर्थ डिफरेंस द डायमैग्नेटिक लिक्विड टेकन इन वॉच ग्लास इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट कलेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर when the magnetic pole are closer and collected at the center when the magnetic poles are further। मतलब डायग्राम में हम तुम्हें दिखाते हैं, जैसे दो मैग्नेट लिए और उसके ऊपर एक वॉच शेप में या बॉल शेप में हमने एक कंटेनर लिया और उसमें लिक्विड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा। अगर ये पोल पास पास हैं, पोल पास पास हैं, तो ये मटेरियल एंड पॉइंट पे, मतलब कि सेंटर पे कम और शिफ्ट करेगा साइड वे। लेकिन अगर मैग्नेट के बीच सेपरेशन हम ज़्यादा रखते हैं तो ये मटेरियल अलाइन करेगा सेंटर पे। ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी थी कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टेंस करते हैं मूव करने के लिए। इसीलिए जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है वहाँ मटेरियल इकट्ठा हो गया। तो पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड बी कहाँ पे है? किनारे की तरफ, इसलिए मटेरियल किनारे इकट्ठा हो गया। और दूसरे केस में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, इसलिए मटेरियल सेंटर पे इकट्ठा होगा। पैरामैग्नेटिक लिक्विड की बात की जाए, टेकन इन ए वॉच ग्लास इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट कलेक्टेड एट द सेंटर व्हेन मैग्नेटिक पोल्स आर क्लोजर एंड कलेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर व्हेन मैग्नेटिक पोल्स आर फर्दर। जहां पे ये मैग्नेट के बीच में या पोल्स के बीच सेपरेशन कम होगा तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल सेंटर पे कलेक्ट होंगे, जबकि इनके बीच सेपरेशन ज्यादा होगा तो ये साइड वे में पोल्स की साइड इकट्ठा होंगे, पोल्स की साइड ज्यादा कलेक्ट होंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करो तो इनके बारे में कहा जाता है, फेरोमैग्नेटिक लिक्विड टेकन इन ए वॉच ग्लास इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट कलेक्टेड एट द सेंटर व्हेन मैग्नेटिक पोल्स आर क्लोजर कलेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर व्हेन द मैग्नेटिक पोल्स आर फर्दर। और सेम वही कहानी है जो पैरा मैग्नेटिक की है, सेम वैसे ही बिहेव कर रहा है जस्ट लाइक ए पैरा, लेकिन ये जो भी करेगा करेगा बहुत जल्दी से। नेक्स्ट डिफरेंस है फिफ्थ, व्हेन ए डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट इज वीकली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंड्यूसिंग फील्ड। जो फील्ड आपने अप्लाई किया उसके अपोजिट डायरेक्शन ये मैग्नेटाइज होगा। पैरामैग्नेट का क्या होगा? व्हेन ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट इज वीकली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएंगे। और लास्ट पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में कहा जाता है, व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट इज स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि पैरा की तरह है लेकिन स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट डिफरेंस है, इंड्यूस डायपोल मूवमेंट एम इज अ स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। इनका जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इंड्यूस होगा वो नेगेटिव होगा और स्मॉल होगा। लेकिन जो पैरा वाले हैं, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल है, ये इनका भी डायपोल मूवमेंट स्मॉल होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तभी कहा जाता है इंड्यूस डायपोल मूवमेंट एम इज स्मॉल एंड पॉजिटिव। लास्ट, इंड्यूस डायपोल मूवमेंट एम इन ए इज ए लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मटेरियल स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो रहा था तो एम की वैल्यू लार्ज भी होगी और पॉजिटिव भी होगी, जस्ट लाइक ए पैरामैग्नेटिक। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई हैज ए स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। आई की वैल्यू स्मॉल और नेगेटिव वैल्यू होती है इन मटेरियल्स के लिए। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई हैज ए स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए आई की वैल्यू लार्ज होगी और पॉजिटिव होगी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई हैज लार्ज एंड पॉजिटिव वैल्यू फॉर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी म्यू ऑलवेज लेस देन यूनिटी। डायमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी लेस देन वन होगी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मोर देन यूनिटी होगी, वन से ज्यादा होगी पैरा की। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी इज लार्जर
मच मोर देन यूनिटी, यूनिटी से बहुत ज्यादा होगी। और इसका लास्ट कंपैरिजन है मैग्नेटिक ससेप्टिविटी, सी एम हैज अ स्मॉल नेगेटिव वैल्यू और पैरामैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सी एम हैज स्मॉल बट पॉजिटिव वैल्यू एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सी एम हैज ए लार्ज पॉजिटिव वैल्यू फॉर द पैरा सॉरी पैरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उनके लिए ये बहुत ज्यादा वैल्यू शो करता है। दे डू नॉट ओबे क्यूरी लॉ, डायमैग्नेटिक क्यूरी लॉ फॉलो नहीं करते। देयर प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज विद द टेम्परेचर, इनकी प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्यूरी लॉ को फॉलो करते, दे लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विद राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे ही अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज करते जाएंगे। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं, एट अ सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड क्यूरी पॉइंट, क्यूरी टेम्परेचर, दे लूज फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी एंड बिहेव लाइक ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल। यहां से क्यूरी टेम्परेचर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली, एक ऐसा टेम्परेचर जिससे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके नीचे मटेरियल हमारा पैरों की तरह काम करेगा और जिसके ऊपर अगर आप चले जाते हो तो वो एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगता है। तो चलो फिर हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, फिर ज्यादा कंटेंट है मेरे ख्याल से खत्म नहीं हो पाएगा आज, ये सब पढ़ना था हमें हो जाता। चलिए खैर लास्ट टॉपिक है, इसको देख लेंगे बाद में। तो थैंक यू आप लोगों का इतना साथ देने के लिए, जो भी लोग हैं